तो अभी हम लोग आ गए हैं बाजार से इतना सारा सामान खरीद के। ये देखो भाभी निकाल दे रही ताकि इसको ठीक है, सड़े इसको ना। यहीं रख दे ऊपर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी पापा ऑफिस चले गए हैं और मैं फ्रेश हो गया। पापा को नाश्ता सब कुछ बना के मैं दे दिया। अभी मैं जा रहा हूँ सनातन भैया का घर, क्योंकि बहुत सारा सामान खरीदना है और जाना मार्केट साथ में। तो अभी मैं फिलहाल वहीं जा रहा हूँ। घर से तो निकल गया, यहाँ आया है पेट्रोल लेने के लिए, थोड़ा सा बाइक में पेट्रोल लेकर के अभी जस्ट मैं निकला वहाँ से और थोड़ा दूर आया हूँ। ये रास्ता बहुत बार देखे होंगे मेरा वीडियो के थ्रू, पहचान नहीं होगी ये रास्ता कहाँ का है। बाकी अभी धीरे धीरे जा ही रहे भैया के पास, 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखो आज बहुत सारा काम भी है और यहाँ पे अभी फिलहाल पहुँच गए हैं भैया के पास। ये देखो स्टेज बन रहा है इधर मस्त, स्टेज ठीक है ये वाला, इतना बड़ा मतलब सही है, नहीं तो फिर दिक्कत होता। अरे कहाँ से लेकर आ रहा है इसको? गुड मॉर्निंग, ये स्माइल देखो, स्माइल इसका देखो, स्माइल अंश बेटा का स्माइल देखो, गुड मॉर्निंग। अंश आ गया मेरे सामने, ये देखो अंश, गुड मॉर्निंग। इसको छोड़ दो बेटा, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, चलो 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 देखो इधर। अरे अरे इधर सामान आ गया अभी फिलहाल, ये सब डेक है, टप है, ये कपड़ा क्या चीज का है, पर्दा लगेगा ना। अच्छा स्टेज वाला सारा आ गया माल? स्टेज वाला अभी नहीं आया, ये सब मिलेगा ये पंडाल में। अच्छा कौन है? और इधर देखो दीदी ऐसे लुट मुट आ गई है, कैसे नाश्ता नहीं की दीदी? तो बहुत एकदम शांत हो गया, पूरा सैडनेस दिख रहा है। मैं ऐसी सही बात है, दीदी को थोड़ा टाइम बोलती हूँ बाकी दीदी शांति रहती है एनी टाइम, जब भी देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे अंश को देख करके दीदी हंसेगी अभी, है ना? ऐसे भी दीदी हंसते रहती है। दोस्तों अभी मैं आया हूँ बाजार, यहाँ से कुछ कुछ सामान खरीदना है। बहुत ही खास सामान है क्योंकि मुझुट्ठी का फंक्शन स्टार्ट हो ही गया है। भैया लोग इधर पीछे से आ ही रहे, ये देखो, तो मार्केटिंग करने के लिए भी फिलहाल आए हैं सामान खरीदने के लिए, क्योंकि मुझुट्ठी बहुत करीब आने वाला है, समझ लो। क्या भैया? और इस तरह का ट्रैफिक यहाँ इतना है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस जगह जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। चलो देखते हैं अभी क्या क्या खरीदा आएगा। सब्जी कुछ लेने के लिए आए हैं फिलहाल यहाँ पे, ये देखो हो गया ना, इधर सारा सब्जी 1.5 किलो दीजिए, मिर्चा 1.5 किलो। लास्ट हम लोग लेने आए हैं अभी टमाटर। टमाटर कैसे किलो है आप लोग साइड में कमेंट करके बताइएगा। हमारे इधर तो 50 करके, कैसे हो अभी? 50 टका, कच्चा ही कच्चा। दोस्तों इधर का हम लोग का जितना मार्केटिंग करना था सारा कुछ हो गया, मैंने सब्जी वगैरह वगैरह बहुत कुछ मैं लिया, तो सब्जी सारा कुछ हो गया। और अभी ना भैया सभी को इंतजार कर रहे हैं, मैं गाड़ी इधर फंसा हुआ था तो वही गाड़ी लेने के लिए मैं आ गया और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यह है मार्केट का व्यू, इसी तरह का यहाँ ट्रैफिक रहता है, पूरा जाम लगा हुआ रहता है इस तरह का। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाजार से इतना सारा सामान खरीद के, ये देखो भाभी निकाल दे रही ताकि इसको सड़े ना। हाँ 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 ये सामान आया भी नहीं और हम घर के लिए सामान लेने लगा, ऊपर से इसमें हम बढ़ा के कुछ लिए भी नहीं है, और ये बोल रहे थे कि बढ़ा के ले लो घर में काम आएगा ही, और सही में आ रहा है ये सब, कल सब्जी बनाने के लिए सब मटेरियल। ये कप निकाल लिए, कप काम आएगा अभी। हाँ, निकाल लिए। बाकी सब सामान घटेगा तो फिर हमें को देगा सब मिलके। नहीं कुछ नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा ले लिए 3 डब्बा। ये सब सामान तो हरा सब्जी थी तो ये भी तो ज्यादा लिया, आधा भी ज्यादा लिया, आधा ज्यादा लिया। आर्यन चढ़ गए ऊपर में, बोरा गिला भैया मैं ही सब पपीता तोड़ देता, हम लोग खरीदने जा रहे थे। बता देख कितना पपीता है उधर भी, देख रहा है पेड़वा में मेरा। अब बोरा भैया पपीता खरीद लीजिए, घर में नहीं होगा, हम बोरे हमारा इतना पपीता है ना बाबू, यही खा के आदमी खत्म नहीं कर पाएगा, हजारों का 2 लाख आदमी खा लेगा इतना तो। अरे खाता कौन है इतना बता तू, इसीलिए तो बोले थोड़ा मुंह में लगा छोड़ देगा। आप तो बढ़ा के बोल दिए,
वो सब तोड़ नहीं रहा क्योंकि उधर ना अल्बेस्टा है, उधर लोग का घर में गिर गएगा तो टूटने फूटने का डर है, इसीलिए हम बोले छोड़ दो उधर का। हाँ तोड़ लीजिए उधर का, इधर धकेल गए, इधर धकेल गए, ए आराम से हो गया हो गया, चलो उतर जा, हो जाएगा, काफी है काफी है, चलो हो जाएगा, इधर भी और नीचे उतर जा, उतर जा, तू बहुत मेहनत किया, ए आराम से आराम से आ जा, अब देखो देख ला और भी इतना और वहां है उधर उस साइड में इधर फूल का भी काम हो रहा है, बांध दिया इधर फूल का काम हो रहा है मस्त, पंडाल रेडी हो चुका है अभी फिलहाल, आर्यन का ब्याह का, मेरा ब्याह का ऐसे भी आप लोग इतना सारा कमेंट करते हैं शादी कर लीजिए, शादी कर लो तो आज बेचारा शादी करने का दिन आया लेकिन पता चला कि क्या करे, छोड़ो हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुजुट्ठी का काफी जोरों से तैयारी चल रही है, मार्केटिंग भी हो गया मुजुट्ठी का, देखिए कितना सारा, बाकी यही सब है, कुछ खाना नहीं खाया, भूख लग गया, अभी जा रहे खाने के लिए, सभी खाता है, हाँ खाली खाली आप लोग, हाँ चलिए हम लोग साथ खा लीजिए, हैप्पी साथ में ही बैठ के खाती मेरा उधर से हम लोग सभी को आगे सारा जितना तोड़ना था पपीता पपाया तोड़ करके अभी खाने के लिए फिलहाल बैठे हैं, इधर भैया बैठे हैं और इधर भाभी जी बैठे हैं, मछली भात, आज के दिन में शुभ होता है इसलिए हम लोग बैठे हैं फिलहाल खाने के लिए, जी आप लोग वीडियो देख रहे हैं नहीं का भी, ये देखो गेट बन रहा है अभी, मतलब हो ही गया ये लगभग लगभग, और इसी तरह का ना पूरा रास्ते में इसी तरह का दे दिया, देखो अभी नहीं दिख रहा होगा लाइट के इशू के वजह से, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो वो देखो। दोस्तों मैं अभी फिलहाल घर आ गया हूँ, भैया का घर का मतलब काम तो चल ही रहा, हो ही गया है और कल तक पूरा मत सुबह तक तो फाइनल हो जाएगा, अभी तो लगभग लगभग हो चुका है, फिनिशिंग टचअप देना बोले कि सुबह में देंगे, और मैं अभी घर आ गया हूँ क्योंकि ना अभी आपको ना एक सरप्राइज मिलने वाला है, तो उस सरप्राइज के लिए मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। मम्मी थोड़ा देर पहले फोन की थी, बोल रही थी कि आ रहे हैं, लेकिन सुबह से तो मेरे को बता ही नहीं थी कि आ रहे हैं, और मैं पहुंच गया हूं यहां पे जहां से मम्मी को पिकअप करता हूं, और मम्मी का कोई आता पता नहीं, फोन भी कर रहा हूं तो फोन भी नहीं लग रहा है मम्मी को, पता नहीं। दोस्तों मैं अभी फिलहाल घर पहुंचा हूं और मैं इतना ज्यादा खुश हूं ना, मैं दिल से नहीं बता सकता बट दिमाग से आप समझ लीजिए पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैं अभी मैं बाहर में था और मैं अभी घर पहुंचा हूं, मैं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही थी सरप्राइज दे दी, ये देखो मेरी मम्मी, बहुत दिनों के बाद मम्मी से मिले हैं और इस तरह का स्माइल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता भी नहीं था कि मम्मी आ रही है, अचानक पहुंची और फोन करती है, कहाँ है आएंगे नहीं हैं, एक बहू है, एक बहू के बाबू है, हाँ। उसका मुजुट्ठी है कल से, हाँ। इसलिए हम आ गए, देख लो दादी है, दादी है, दादी है, हम दादी, दादी है, है? हम दादी है, इसलिए हम कल जरूर जाएंगे, इसलिए आपको बोलबो नहीं किया जल्दी, हाँ। और पता है संजोग क्या हुआ, हमारे घर के पास में एक मोड़ है, उस मोड़ में मम्मी पहुंची और मम्मी का क्या हुआ, फोन स्विच ऑफ, जैसे पहुंचे तैसे मोबाइल लगा रहे हैं, कहाँ है आर्यन, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अब मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, मैं परेशान हो गया भाई, ऑटो वाला कहीं मम्मी को दूर तो लेके नहीं ना चल गया, कैसे जाएगा भुला जाएंगे, और वही हम बार बार देख रहे हैं, और बहुत घंटा वहां रुके, बहुत घंटा रुकी, मम्मी को मैं कॉल किया, मम्मी बोली स्टील गेट में, मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस है, और मैं घर से निकला एक दूध का केन लेने के लिए, दूध लेने चला गया था, दूध का केन लेके, तो वहां पे मैं पहुंचा, देख रहा हूँ मम्मी है ही नहीं, उधर से पापा भी आ गए, हम वहाँ आ गए, अब चारों तरफ देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अब क्या करें क्या करें, फिर वहाँ ऑटो बैठे आगे घर के पास, अब हमको लग ही रहा था कि ये मम्मी चली गई होगी, इतना देर मम्मी रुकने वाला है नहीं, है नहीं, हाँ। तो पापा को मैं दूसरे रास्ता से भेज दिया और मैं दूसरे रास्ता से आया, पर किधर गई है, हाँ। तो उधर ही देख, तो मेरे को मम्मी मिली, मेन रोड में मिल गया, आ रहे थे ना, हाँ ये मेरे को अच्छा लगा, हाँ, अच्छा। मम्मी मिल गई, लेकिन मम्मी का दांत देखो, दांत दिखो दिखो पूरा आने मन नहीं था, जबरदस्ती में आ गया, कैसी प्लान बन गया पता नहीं,
आने का नहीं मन था, सोचे कल जाएंगे। आ नहीं पड़ेगा, ऐसे हमको बुला लिया पोतवा। पोतवा वहाँ जाके बोला दादी आए, आपको पोता बुलाया, बोल दादी आओ आओ तुम यहाँ मेरा मन, इसीलिए हम आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा सही में, थैंक यू सो मच, और दिल से शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहो। ये हंसा नहीं गोर लगना चाहिए, ये हंसने लगना चाहिए। खुश रहो बच्चा। बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी सच में मेरे पास में है अभी, और मम्मी को ना अभी बहुत सारा काम है, मुझे भी काम है, बिकॉज मेरा ये देख रहे बियर्ड, इसको मेरे को सेट कराना है, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं ना, हमको बर्तन धोना है, खाना बनाना है, दोपहर के बर्तन रखा ले सब। तुमको पता है मम्मी दोपहर में खाना भी नहीं बना है। खाना कौन सी खाया, नहीं कुछ बचलू नहीं। हाँ तो बनाई नहीं किया तो बचेगा, सुबह सुबह में ओनली नाश्ता बनाए थे, पापा को टिफिन में पैक करके दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया, दाल खाली बचल है। चलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जाने दो पैसों करके तो हर दिन खा रहे बेटा। अब बाबा से पूछना, हर दिन टिफिन में पैक करके दे देते, सुबह सुबह रोटी बना के करता बेटा, जाते आठ दिन तो कैसा करके पापा खिलाया, आप भी खाया। यस ये दिन गए, इवेरा के पैरा पहुंचे से बेरा आ गया। वाओ चलो अब मम्मी जा रही है फिलहाल काम करने, और मैं भी जा रहा हूँ अपना फटाफट काम कर लेता हूँ। चलो आलू साग बनाएंगे, आलू का साग मम्मी गांव से आलू का साग लाइए। वाह चलो मम्मी चलो 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 चलो। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ सैलून, थोड़ा सा दाढ़ी वगैरह सेट कराने, क्योंकि बढ़ गया है बहुत ज्यादा, कल टाइम नहीं मिलेगा ना इसलिए अभी करवा लो। दोस्तों मैं अभी दाढ़ी कटा के आ गया सैलून से, और इधर मम्मी किचन में देखो क्या बना रही, चावल बना रही है, इधर क्या बना रही है, सब्जी बना रही है, लेकिन मुझे धनिया पत्ता का सेंट आ रहा है, चटनी की सब्जी। हाँ और हम टमाटर लाए थे कि इसमें भी तुम टमाटर डाल देगी, डाल देंगे, कितना मस्त लगेगा, डाल देगी इधर क्या मम्मी, इधर मम्मी आ गई है, और कैसे चोट लग गया, देखे कहाँ लग गया, गमला और मिट्टी पापा देख रहे धूल के जैसा बना दिया, मतलब बालू के जैसा, और पापा इसमें बैठा रहे हैं फूल, बाकी इधर तीन है बचा, एक दो तीन, वो सब में कुछ कुछ लगेगा, तो अभी तो फिलहाल यही लग रहा है, बाकी इधर हमें मिर्चा का पेड़ है, ये मिर्चा का पेड़ है, प्लास्टिक मतलब फाड़ के इसे डायरेक्ट ढुका दिए ना। पापा तो उधर लगा दिए, और पापा इधर आ भी गए, मतलब पेड़ लगाना था मस्त लगा दिया, और मम्मी खाना बनाई है आज, चावल देसी स्टाइल से सब्जी बनाई है, और ये सबसे फेवरेट है ये वाला चटनी, और चावल न्यू चावल आया है आज, तो न्यू चावल आज बना है, बाकी मम्मी आज साग बनाई है, वो भी स्पेशल देसी साग, देसी साग, साग का नाम क्या है बोलो मम्मी, जगरा बोलता है आलुआ के पत्ता, आलुआ का पत्ता, आलुआ के पत्ता या आलू का पत्ता, आलू के पत्ता को फेंक देता है, हम लोग बना के खाते हैं, देखो खा के देखो, देखो खा एवं मम्मी डर देखे जरा, नहीं बार तुम खा नहीं खा रहे हैं, एक बार करो, अभी खाइए आलू का पत्ता, ये है साग, मम्मी साग और भात खाने के लिए स्टार्ट कर दी, ये साड़ी कहाँ से लाई मम्मी, बड़ी अच्छा लग रहा है, चमक रहा पूरा, हम ला दिए, हम कब लाए, इधर पापा भी खाने के लिए फिलहाल बैठे हैं, और इधर मैं भी खाने बैठा हूँ, सब्जी दाल भी है बट दाल एडिशनल है, और ऐसे ही मैं खाऊंगा ये वाला चटनी के साथ में, धनिया वगैरह का चटनी है, मजा आ जाएगा। हम लोग का इसी तरह भी डिनर होगा, बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको धमाकेदार वीडियो मिलेगा देखने को, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करूंगा इन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सकता हो अपना कमेंट में प्यार दीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।